हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। तो सांग माने आज जीके क्लास रे आमे आलोचना करिवा आमर प्रीवियस ईयर जे 2021 मसिया रे आरआई एग्जाम हेतला 2021 मसिया रो आरआई एग्जाम रे आस्तिबा जीके गुडी काम आलोचना करिवा। तो पूर्व वीडियो पार्ट 1 रे आमे ऑलरेडी 25 टी एमसीक्यू आलोचना करिसेंथि। तो एई वीडियो रे आमे बाकी जाऊ तो पूर्व वीडियो रे आमे ऑलरेडी तो पूर्व वीडियो रे हमें ऑलरेडी 25 टी एमसीक्यू आलोचना करिसंती। ए वीडियो रे बाकी जाऊ जीके गुडी को रहिछि से गुडी का आलोचना करिवा। तो जे माने एही पीडीएफ टी को पाइबा पई इच्छा करसंती से माने हम टेलीग्राम रे जॉइन होनतो। टेलीग्राम रे समीर कुमार स्टडी सेंटर रे जॉइन होनतो, सेठी मई पीडीएफ टी को प्रोवाइड कर देबे, आपन माने डाउनलोड करी पढ़ी पारिबे। तो आज रो प्रश्न हमें प्रश्न नंबर 26 रो आलोचना करिवा। तो फर्स्ट देखिबा प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 एट रही महेन्द्र दार इज अल्सो नोन आज डेस। तो ओडिया रे महेन्द्र दारर अन्य नाम कौन? तो ये ऑप्शन नंबर ए रही माउंट ऑफ द ग्रेट, ऑप्शन नंबर बी रही ऑप्शन नंबर सी बी रही माउंट ऑफ द सर्वाइवर्स, ऑप्शन नंबर सी रही माउंट ऑफ द लिविंग एवं ऑप्शन डी रही माउंट ऑफ द डेड। तो ये प्रश्न पचार महेन्द्र दारर अन्य नाम कौन बा महेन्द्र दार को क्यों नाम नामित कर। तो यार राइट आंसर टी हम ऑप्शन नंबर डी माउंट ऑफ द डेड, महेन्द्र दार को मृत नगरी बोली आख्या दे दी। तापर आम देखा नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 27। तो ये देखो प्रश्न नंबर 27 रही इन द फेमस जालियानावालाबाग मासाकार्ट हैपेंड ऑन व्हिच फेस्टिवल। तो ये प्रश्न पचार जो आम 1919 मसीहा एप्रिल 13 तारीख में होता जालियानावालाबाग हत्याकांड आमर पंजाब रो अमृतसर ठारे अछि ताहा केउ दिन होइतिला। तो एठी राइट आंसर टी हेबो एठी ऑप्शन ए रहिछि होली, ऑप्शन बी रहिछि बैसाखी, ऑप्शन सी रहिछि रक्षाबंधन एवं ऑप्शन डी रहिछि लोहरी। तो जालियानावालाबाग हत्याकांड बैसाखी उत्सव दिन होइतिला, यार राइट आंसर टी हेबो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आम देखिबा नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न अछि एठी देखंतु नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर प्रश्न अछि Which among the following dynasty was ruling over Magadha when Alexander invaded in India? तो यार प्रश्नटर ये प्रश्न अच्छी Alexander को भारत आक्रमण समय रे भारत रे क्यों राजवंश भारत को शासन करुथिले? तो ऑप्शन ए रही शिशुनाग वंश, ऑप्शन बी रही नंद वंश, ऑप्शन सी रही मौर्य वंश और ऑप्शन डी रही कोसल वंश। तो ये यही प्रश्न रे गोटे डाउट रहे बा कन्फ्यूजन रहे जे यह मौर्य शासन हेबो बोली किंतु यह हेबो नहीं, यार राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी नंद वंश। यहाँ पर आम देखिबा नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 अच्छी द लेंग हाइएस्ट क्लासिकल एपिक ऑफ इंडिया, एटी देछि भारतर सर्वबृहत पौराणिक ग्रंथ क्योंकि भारतर सर्वबृहत पौराणिक ग्रंथर नाम कौन बोली एटी पचार। ऑप्शन ए रही भागवत गीता, ऑप्शन बी रही रामायण, ऑप्शन सी रही गीत गोविंद, ऑप्शन डी रही महाभारत। तो यार राइट आंसर टी ऑप्शन नंबर डी महाभारत। भारतर सर्वबृहत पौराणिक ग्रंथ हूँ महाभारत और सब सब पुराणा हूँ रामायण। तो यह 29 नंबर प्रश्न ऑप्शन डी हूँ राइट आंसर महाभारत। तापर नेक्स्ट प्रश्न देखिबा प्रश्न नंबर 30 रही ओडिसी डांसर इन जगन्नाथ टेम्पल आर कॉल्ड आज डेस। जगन्नाथ मंदिर ओडिसी नर्तकी मानंकु कौन कहा जाए? तो ये प्रश्न पचार जगन्नाथ मंदिर ओडिसी नर्तकी मानंकु कौन कहा जाए? ऑप्शन ए रही महारी, ऑप्शन डी रही पाल, ऑप्शन बी रही पटुआ एवं ऑप्शन डी रही गोटीपुओ। तो यार राइट आंसर टी हेबो ऑप्शन नंबर ए महारी। जगन्नाथ मंदिर रे जो नर्तकी माने ओडिसी नृत्य को परिदर्शन करिसेंति समानको महारी बोली कहाजे, ऑप्शन नंबर ए हेबो राइट आंसर। तापर नेक्स्ट प्रश्न आम देखिबा 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न रही एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय व्हिच मशीन। तो वायुमंडल आर्द्रता क्यों जंत्र द्वारा मपा जाए? ऑप्शन नंबर ए रही 12 मीटर, ऑप्शन बी रही एनीमोमीटर, ऑप्शन सी रही लाइसीमीटर एवं ऑप्शन डी रही हाइग्रोमीटर। तो यार राइट आंसर टी हेबो ऑप्शन नंबर डी हाइग्रोमीटर। तो वायुमंडल आर्द्रता टी हाइग्रोमीटर द्वारा
मपा जाए था। तो ये प्रश्न साइंस रो आसुची जो आमर इक्विपमेंट गुड़िक अच्छी से इक्विपमेंट उपर यापर देखा नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 32 रही व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज कोल कोईला के प्रकार शिला अटे ऑप्शन ए रही आग्नेय शिला ऑप्शन बी रूपांतरित शिला ऑप्शन सी अवक्षिप्त शिला एवं ऑप्शन डी केउटी नहे। तो यार राइट आंसर टी हम ऑप्शन नंबर सी कोईला हूँ अवक्षिप्त शिला। तो ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर कोईला हूँ कौन अवक्षिप्त शिला। यापर नेक्स्ट प्रश्न आम देखा नेक्स्ट अच्छी 33 नंबर ये अच्छी 33 नंबर प्रश्न रही द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द रेकॉर्डिंग अर्थक्वेक वाज वेव्स। तो दुईट प्रश्न ये इक्विपमेंट उपर आ सर ये पचार अर्थक्वेक भूमिकंप के प्रश्न रही भूमिकंपर तरंग व्यवहार कर जंत्रटर नाम कौन भूमिकंपर तीव्रता अलग एवं तरंग अलग। तो ये भूमिकंपर तरंग मापापी जो जंत्रटी व्यवहार कर तार नाम ये कौन बोली प्रश्न पचार ऑप्शन ए हूँ बारोग्राफ ऑप्शन बी रही हाइड्रोग्राफ ऑप्शन सी पैंटोग्राफ एवं ऑप्शन डी अच्छे सिस्मोग्राफ। तो यार राइट आंसर टी ऑप्शन नंबर डी सिस्मोग्राफ द्वारा भूमिकंपर तरंगर तीव्रता भूमिकंपर तरंगर तीव्रता मपा जाए एवं अन्य गोटे अच्छे रिक्टर स्केल भूमिकंपर विषय मेजर कर। तापर हम देखा नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर प्रश्न अच्छी अच्छी प्रश्न नंबर 34 अच्छी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ सी ये रही निम्नलिखित मध्यर सुएज कैनाल के दुईट सगर व महासगर को संजोग करे ऑप्शन ए रही भारत महासगर और प्रशांत महासगर ऑप्शन डी भूमध्य सगर एवं कृष्ण सगर ऑप्शन सी भूमध्य सगर और लोहित सगर ऑप्शन डी आटलांटिक महासगर और प्रशांत महासगर। तो यार राइट आंसर टी हेबो 34 नंबर राइट आंसर टी हेबो भूमध्य सागर एवं लोहित सागर भूमध्य सागर एवं लोहित सागर ऑप्शन नंबर सी हेबो एठी राइट आंसर। तो एठी मेडिटेरियन सी एवं रेड सी ए दुईटी हेबो राइट आंसर ए दुईटी को संजोग करुछि किए सुएज कैनाल। तो यहाँ पर देखिबा नेक्स्ट प्रश्न तापर नेक्स्ट प्रश्न आम देखा ये रही 35 नंबर 35 नंबर अच्छी हाउ मेनी नंबर ऑफ सीट शेयर देयर बॉर्डर विथ ओडिशा केतोटी राज्य सह ओडिशा रो सीमा लगी प्रश्न जियोग्राफी आसला ओडिशा रो सीमा अन्य केतोटी राज्य सह लगी। तो ये राइट आंसर हम आम उत्तर अच्छी किए उत्तर अच्छी झारखंड रही एक एवं पूर्वर अच्छी किए पश्चिमबंग दुई एवं आमर दक्षिण अच्छी किए दक्षिण अच्छी आमर आंध्र प्रदेश एवं पश्चिम अच्छे छत्तीसगढ़ टोटाल चारोटी राज्य सह ओडिशा तार बॉर्डर शेयर करुच्छे तार बाउंड्री शेयर करुच्छे। तो ये राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी चार हम राइट आंसर ओडिशा राज्यर सीमा चारोटी राज्य को टच करपर आम देखा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36 रही प्रश्न नंबर 36 रही व्हिच टाइप ऑफ क्लाइमेट डज ओडिशा एंजॉय ओडिशा रे केउ प्रकार जलवायु अनुभूत होइथे ऑप्शन नंबर ए क्रांतीय जलवायु ऑप्शन नंबर बी नातिशीतोष्ण जलवायु ऑप्शन नंबर सी विषुव मंडली और ऑप्शन नंबर डी तुंद्रा। तो यार राइट आंसर हम 36 नंबर प्रश्न राइट आंसर टी हम क्रांतीय जलवायु बा ट्रॉपिकल ऑप्शन ए और सी एटी राइट आंसर ओडिशा रे क्रांतीय जलवायु बा ट्रॉपिकल क्लाइमेट अनुभूत होइथे। यापर नेक्स्ट प्रश्न आम देखा प्रश्न नंबर 37 देखो 37 नंबर प्रश्न रही द रिवर बुढ़ावलंग हाज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम बुढ़ावलंग नदी उत्पत्ति केउठारु होईछि। तो बुढ़ावलंग नदी आमर नॉर्थ ओडिशा मयूरभंज पटु आसुछि बा सेठारे प्रवाहित होउछि। तो एठी प्रश्न पचारिला बुढ़ावलंग नदी केउठारु उत्पत्ति होईछि ऑप्शन नंबर ए अछि नीलगिरी पर्वत ऑप्शन बी रही देवमाली पर्वत ऑप्शन सी रही गौरव महिषाणी पर्वत और ऑप्शन डी अच्छे सिमलीपाल पर्वत। तो यार राइट आंसर टी हम ऑप्शन नंबर डी सिमलीपाल पर्वत ये जो आम बुढ़ावलंग रिवर रही सिमलीपाल ओरिजिनेट होती सिमलीपाल पर्वत रु ओरिजिनेट होती सृष्टि होतीपर देखा नेक्स्ट प्रश्न अच्छी 38 नंबर प्रश्न अच्छी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड रक्तनली जमाट बांधिबाकू क
कौन कहुए सैंस रोड आसी रक्त नड़ी जमाट बांधा को कौन कहुए ऑप्शन ए थ्रोम्बोसिन ऑप्शन बी रियूमाटिजम एवं ऑप्शन सी आग्लुटिनाइजेशन ऑप्शन बी फाइब्रोसिस तो यार राइट आंसर टी हबो राइट आंसर टी हबो थ्रोम्बोसिस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रक्त नली जमाट बांधा को थ्रोम्बोसिस बोली कहा जाए यहाँ पर देखा नेक्स्ट प्रश्न ये देखो नेक्स्ट प्रश्न अच्छी 39 नंबर सिंधु नेत्र सैटेलाइट हाज बीन सक्सेसफुली लॉन्च्ड रिसेंटली यूजिंग व्हिच पीएसएलवी तो 2021 मसीह सिंधु नेत्र नामक गोटे सैटेलाइट लॉन्च होता है यहाँ गोटे करेंट अफेयर आसी तो यार उत्तर हे सिंधु नेत्र उपग्रह क्यों पीएसएलवी व्यवहार कर उत्क्षेपण होता तो यार राइट आंसर टी हे पीएसएलवी C51 पीएसएलवी C51 द्वारा ये जो सिंधु नेत्र उपग्रह को लॉन्च कर तो राइट आंसर हम कि ऑप्शन नंबर ए पीएसएलवी C51 इज राइट आंसर तापर हम देखिबा नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 40 रही व्हिच टाइप ऑफ मॉस्किटो व्हेन इन्फेक्टेड विथ द वायरस इज द मेन कॉज ऑफ द स्प्रेडिंग डेंगू फीवर क्यों प्रकार मशा जितेबले भूताण द्वारा संक्रमित हुए एवं ताहा डेंगू ज्वर प्रसार कर सहायक होता है तो ये हम राइट आंसर टी हम एड्स मशा एड्स मशा को ये जो एड्स मशा को डेंगू ज्वर बाहक कहुए एवं मलेरिया माई एनोफिलिस मशा मलेरिया किए माई एनोफिलिस मशा तो ये राइट आंसर टी हम ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर यापर नेक्स्ट प्रश्न आम देखा नेक्स्ट प्रश्न देखा 41 नंबर प्रश्न हाउ मेनी बोन आर देयर इन एडल्ट मैन बॉडी तो यह गोटे इजी प्रश्न था जड़े प्राप्त वयस्क मनीष शरीर केते खंड हाड़ थाए तो यार राइट आंसर हम 206 जड़े प्राप्त वयस्क मनीषर शरीर में 206 खंड हाड़ थाए तापर नेक्स्ट प्रश्न देखा प्रश्न नंबर 42 अच्छी आलोक वर्ष कहार एकक मापिबा पई उद्दिष्ट अटे लाइट इयर इज ए यूनिट फॉर मेजर्ड ऑफ डेस कहार एकक बा यूनिट को मापिबा पई आलोक वर्ष को व्यवहार करा जाय तो ये ऑप्शन ए रही आलोकर बेग ऑप्शन बे नक्षत्रिक दूरता ऑप्शन सी रकेट्र बेग और ऑप्शन डी उड़ाजहाजर बेग तो यार राइट आंसर टी हम नक्षत्रिक दूरता ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर स्टेलर डिस्टेंस बा नक्षत्र मानक दूरता मापिबा पई आलोक वर्षर एकक बा यूनिट को व्यवहार करा जाय यहाँ पर हम देखा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43 रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कंसीडरेड हेल्पफुल टू कीप आईज हेल्दी तो यह साइंस आसला 5-6 क्लास ओडिशार ओडिया बुक र पंचम व षष्ठ श्रेणी एगुड़ा अच्छी पाठ तो ये पचारे विटामिन निम्नलिखित मध्य क्योंटी आखि को सुस्थ रखे साय कै ऑप्शन ए कही विटामिन सी ऑप्शन बी कही विटामिन बी ऑप्शन सी विटामिन ए ऑप्शन डी विटामिन डी तो यार राइट आंसर टी आखि को सुस्थ रखा क्यों विटामिन साहय कर तो यार राइट आंसर टी हम विटामिन ए तो राइट आंसर टी हम ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए द्वारा आखि सुस्थ रही है यापर आम देखा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44 अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एंशिएंट नेम ऑफ ओडिशा तो ये कहला निम्नलिखित मध्य क्योंटी ओडिशार पुरातन नाम नुहे अर्थात तीन टी ओडिशार पुरातन नाम अच्छी बर्तमान आम ऑप्शन एलिमिनेट करदेबा कलिंग होची ओडिशार पुरातन नाम ऑप्शन बी अच्छी उत्कल होची मध्य ओडिशार पुराना नाम ओड्रो देश मध्य होची ओडिशार पुराना नाम एवं ऑप्शन डी होची कोसल ओडिशार पुरातन नाम नुहे तो ये ऑप्शन नंबर डी हम राइट आंसर कोसल होची ओडिशार पुरातन नाम नुहे तापर नेक्स्ट प्रश्न आम देखा ये अच्छे देखते प्रश्न नंबर 45 द फास्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च बाय व्हिच कंट्री तो ये सैटेलाइट एवं इजरो एवं अन्यान्य सैटेलाइट्स जो आम उपग्रह वो सौरमंडल एजेन्सी गुड़ाक अच्छे से गुड़िक एमसीक्यू आसी जा तो कहला प्रथम उपग्रह क्यों देश द्वारा उत्क्षेपण होता विश्व में क्यों देश प्रथम उपग्रह प्रेरण कर
द फास्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च बाय व्हिच कंट्री तो ऑप्शन ए रहिछि जापान ऑप्शन बी रहिछि सोवियत रूस ऑप्शन सी रहिछि युक्तराष्ट्र अमेरिका ऑप्शन डी रहिछि जर्मन तो यार राइट आंसर टी हबो सोवियत रूस। सोवियत रूस द्वारा प्रथम उपग्रह प्रेरण होइथिला एहार नाम थिला स्पुटनिक वन। स्पुटनिक वन होछि विश्वर सर्व सबुठारु फास्ट सैटेलाइट जहाँकि सोवियत रूस प्रेरण करथिला। यहाँ आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर प्रश्न देखते ये अच्छे द फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया भारतर प्रथम पारमाणविक रिएक्टर नाम कौन। भारतर प्रथम परमाणु रिएक्टर नाम कौन ऑप्शन ए रही ध्रुव ऑप्शन बी रही हर्ष ऑप्शन सी रही अप्सरा और ऑप्शन डी अच्छी विपुल तो यार राइट आंसर टी ऑप्शन नंबर डी अप्सरा। अप्सरा होची भारतर प्रथम परमाणु रिएक्टर सेंटर नाम। तापर नेक्स्ट प्रश्न आम देखा ये देखो नेक्स्ट प्रश्न अच्छी नेक्स्ट प्रश्न अच्छी ब्लीचिंग पाउडर क्यों प्रस्तुत हुए यह साइंस रु आसी ब्लीचिंग पाउडर क्यों प्रस्तुत हुए तो यार आंसर टी कन्फ्यूज अच्छी आपण मैंने जो जानते हैं मतलब कमेंट सेक्शन में निहती कहे। यापर देखा नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 48 अंगारर विभिन्न रूप मधर क्योंटा ठीक अटे तो यह गोटे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन अच्छे एमसीक्यू नुहे। पर नेक्स्ट प्रश्न देखा 49 क्वेश्चन 49 नंबर प्रश्न रही द सेंट टेम्पल एट कोणार्क इज नोन आज कोणार्क सूर्य मंदिर को कौन कहुए ऑप्शन ए शांति पगोड़ा ऑप्शन बी कृष्ण पगोड़ा ऑप्शन सी श्वेत पगोड़ा ऑप्शन डी स्वर्ण पगोड़ा तो यार राइट आंसर टी हम ऑप्शन नंबर बी कृष्ण पगोड़ा। कोणार्क मंदिर को ब्लैक पगोड़ा बोली कहुए यार राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी कृष्ण पगोड़ा एवं श्वेत पगोड़ा बोली आम पुरी जगन्नाथ मंदिर को कहुए तो व्हाइट पगोड़ा हम किए पुरी जगन्नाथ मंदिर एवं ब्लैक पगोड़ा हम आम कोणार्क मंदिर तो ये राइट आंसर टी हम ऑप्शन नंबर बी ब्लैक पगोड़ा इज नोन आज कोणार्क टेम्पल। यापर आम देखा आज अंतिम प्रश्न 50 नंबर एटी प्रश्न रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस तो ये प्रश्न अच्छी निम्नलिखित क्यों रोग कोरोना भूताणु सह संबंधी अटे ऑप्शन ए रही मर्स ऑप्शन बी रही सार्स एवं ऑप्शन सी रही उभय ए एवं बी एवं ऑप्शन डी रही नॉन ऑब्वियस एवं क्योंकि नुहे तो कोरोना भूताणु सह संबंधी रोग हूँ ऑप्शन रोगटी संबंधित होची मर्स एवं सार्स तो ये ऑप्शन ए एवं बी दुईट जाक हम यानी कि ऑप्शन सी हे ए एंड बी बोथ ए एंड बी तो यह आज 25 एमसीक्यू जहाँकि 2021 मसीहार आर आई एग्जाम आसला तो आशा करुच्छे भिडियो देखला आपण मानक गोटे आईडिया हो जाइए जे आर आई एग्जाम क्यों क्यों विषय सब आस प्रश्न गुड़िक जिके अन्य जो 50 प्रश्न मैथ उपर ताकि परवर्त भिडियो गुड़िक आलोचना करवा तो आशा करुच्चे आज भिडियो आपको भल लगी जो मैंने यार पीडीएफ टी डाउनलोड करने चाहते से टेलीग्राम चैनल समीर कुमार स्टडी सेंटर जाए जॉइन हूँ से यार पीडीएफ टी अपलोड करदेवि आप डाउनलोड करदे तो आज भिडियो ये पुणी देखा अन्य भिडियो से मतलब विदा दिंतु जय हिंद जय भारत।